मैं हूं सानिया अदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कांदिवली थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात 12:15 पर बाइक सवार दो लोगों ने सड़क पर खड़े लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस वारदात में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन लोग काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस फायरिंग के बाद वो दो लोग फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुटी है। इस मामले पर मुंबई पुलिस के डीसीपी ठाकुर ने बताया कि दोनों आरोपियों ने कुल 4 राउंड फायरिंग की थी। वारदात के पीछे की सही वजह जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। आज रात को 12:15 के दरमियान कांदिवली पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में एक फायरिंग का इंसिडेंस हुआ है। उसमें दो लोग मोटरसाइकिल पे आके उन्होंने फायरिंग किया है। उसमें एक आदमी की मौत हो गई है और बाकी तीन लोग जो जख्मी हैं, तो बाकी तीन आउट ऑफ डेंजर हैं। बाकी आगे की तहकीकात चल रही है। कितने राउंड फायरिंग होने की जानकारी है? फिलहाल तो 4 राउंड फायर होने की खबर मिल रही है। बाकी आगे चौकशी तपास